अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सऊदी अरब की कुछ जरूरी जानकारी, और जिन लोगों ने पहले कोरोना वायरस की एक डोज लगवाई थी सऊदी अरब के अंदर और वो इंडिया आ गए हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि वो दूसरी वैक्सीन यहाँ पे कौन सी लगवाएंगे, इसके बारे में सवाल आ रहे थे। और आज के कोरोना वायरस की रिपोर्ट, और सऊदी अरब के अंदर अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितनी डोजेज लग चुकी हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और आपकी तरफ से बहुत सारे जो है सवाल पूछे गए हैं, कमेंट की गई थी वैक्सीन के बारे में कि अभी हम इंडिया में हैं, कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लेते हैं तो क्या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा सऊदी अरब के अंदर या नहीं होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इसके अलावा नए वीज़ा के बारे में, जिन लोगों के पास नया वीज़ा है सऊदी अरब का तो वो सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और जो है ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं। तो हो सकता है जो आपने कमेंट की हो उस कमेंट को मैंने इस वीडियो में लिया हो, तो वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर अभी तक लगभग 13.5 मिलियन डोजेज लग चुकी हैं। जो एग्जैक्ट नंबर है वो है 1,35,38,582 डोजेज लग चुकी हैं सऊदी अरब के अंदर अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के जो है वैक्सीन लग रही है सऊदी अरब के अंदर। और अब जो है मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस की एक वैक्सीन लगवाई थी, यानी एक डोज लगवाई थी सऊदी अरब के अंदर, और जो दूसरी डोज की यानी अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो गई थी, वो आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि दूसरी डोज भी उन लोगों को जो है लगाई जाएगी अब जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले भी सऊदी अरब के अंदर जब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना शुरू किया गया था तो 60 साल से ऊपर के लोगों को जो है लगाया गया था। तो अभी भी जो है जो सेकेंड डोज लग रही है, पहले भी यानी बहुत लोगों के लग चुकी है, दो डोज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, लेकिन कुछ यानी महीने पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रोक दी थी सेकेंड डोज, और फर्स्ट डोज जो है लोगों को लगाई गई है। तो यहाँ पे सेकेंड डोज जो है अब लगाई जाएगी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और इसी के साथ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट। तो पिछले 24 घंटे में 1,183 नए केस आए हैं, 1,040 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं और 14 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा केस आए हैं पिछले 24 घंटे में वो है रियाद में 342, मक्का में 317, एस्टन में 160, मदीना में 77, असीर में 63, जिजान में 59, अलकसीम में 45, तबुक में 41, नजरान में 27, हायल में 21, अलबाह में 16, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, अल जोफ में 5। और सऊदी अरब के अंदर जो अभी एक्टिव केस हैं वो हैं 10,152, जिनमें से 1,353 क्रिटिकल केस हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। और अब जो है जो आप लोगों ने कमेंट की है उनके जवाब देने की मैं आपको कोशिश करूंगा, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। तो यहाँ पर जो है एक भाई ने सवाल किया है, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, मैंने सऊदी में एक डोज एस्ट्राजेनिका ली है, अब मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया में एस्ट्राजेनिका नहीं है, तो मैं कौन सी वैक्सीन की दूसरी डोज लूँ, प्लीज़ भाई इसके बारे में जो है आप रिप्लाई करें। तो देखिए काफ़ी सारे कमेंट इसके बारे में आती हैं, और आप लोगों के जहन में भी ये सवाल हुआ कि यानी आप जो है सऊदी में थे और सऊदी से छुट्टी आए इंडिया में, वहाँ पे एक डोज आपने लगवाई है, फाइजर की लगी है या एस्ट्राजेनिका लगी है, तो यहाँ पर हम दूसरी डोज कौन सी लगाएं। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है जानकारी आई है कि अगर आपने सऊदी अरब की कोई एक वैक्सीन भी लगवाई है और आप इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन जब फ्लाइट खुलेंगी या आप किसी वाय जो है कंट्री से जा रहे हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना नहीं होगा, आप जो है डायरेक्ट जा सकते हैं सऊदी अरब। तो देखिए आपने सऊदी अरब के अंदर कोई सी भी एक डोज लगवाई है और आप जो है अभी इंडिया में हैं, तो जो है आप वहीं पे जाके दूसरी डोज लगवा लें, क्योंकि आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी नहीं होगा, और आप वहाँ पे जाके सेकेंड डोज की जब अपॉइंटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर लग जाएगी। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई थी वो मैंने आपके साथ में जो है शेयर कर दी है। तो देखिए एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि कोविशील्ड का एक डोज लगवाने वालों को कोई फायदा होगा कि नहीं, क्या क्वारंटीन के दिनों को कम किया जाएगा। इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे कोविशील्ड की एक वैक्सीन लगवा लेते हैं और फिर हम जो है सऊदी अरब का सफर करेंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है कि 7 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, तो क्या वो दिन कम कर दिए जाएंगे या क्वारंटीन नहीं होगा। तो देखिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से जो खबर आई है वो यही है कि आपको 2 डोज जो है लगवानी होंगी और उसका जो है सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे जो है कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने डोजेस बताई हैं कोरोना वायरस की, जो कंपनी बताई है वैक्सीन की, वो वैक्सीन अभी इंडिया में मौजूद नहीं है, दूसरे नाम से है, कोविशील्ड के नाम से यहाँ पे है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन। लेकिन अभी तक भी कहीं से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि आप जो है कोविशील्ड अगर लगाएंगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन उम्मीद यही है इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी ऑक्सफोर्ड की है,
आने वाले दिनों में जो है इसके बारे में कोई ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ जरूर आ जाएगी इंडियन एम्बेसी की तरफ से या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, कि कौन सी वैक्सीन इंडिया की कौन सी वैक्सीन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। लेकिन अभी बहुत लोग जो है, एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो विदेशों में सफ़र कर रहे हैं तो कोविशील्ड वैक्सीन को वो लगवा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इसके बारे में अभी भी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी है। और एक और भाई ने जो यहाँ पे सवाल किया है, मैंने पासपोर्ट रिन्यू किया है, एग्जिट एंट्री पेपर पे ओल्ड पासपोर्ट नंबर आया है, तो मैं सऊदी जा सकता हूँ क्या? तो देखिए, इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं कि हम जो है भाई सऊदी अरब से छुट्टी आए थे और यहाँ पर सफरी पाबंदी की वजह से फंस गए, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और हमने जो है नया पासपोर्ट बनवाया, लेकिन जो वीज़ा हमारी लगी थी एग्जिट एंट्री वीज़ा, वो जो है पुराने पासपोर्ट पे है, तो हम किस तरह से सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो यह है कि आप कफील कंपनी के पास जो है काम करते हैं, तो नए पासपोर्ट का फोटो खींच करके आप व्हाट्सअप कर दें उनको और वो अपने अफसर अकाउंट से जो है उसका नकल मालूमात करा देंगे, तो फिर जो यानी कि पुराने पासपोर्ट की डिटेल होगी वो इसमें जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी नए पासपोर्ट पे। दूसरी बात यह है कि जब आप सफ़र करें, जब भी फ्लाइट खुलती है या आप जो है वाया किसी कंट्री से जाएंगे, तो दोनों पासपोर्ट आप जो है अपने साथ लेकर के जाएं, ये हो सकता है एयरपोर्ट पे वो चेक करें तो वहाँ पर आप उनको दिखा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है और बहुत लोगों की जो है यानी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पासपोर्ट लेकर आप जाएंगे एयरपोर्ट तो आपको जाने दिया जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और एक और भाई ने जो है यहाँ पे सवाल किया है, री एंट्री नहीं बढ़ा है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई थी एग्जिट री एंट्री वीज़ा को, एकामे को और विजिट वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आई हैं कि भाई अभी तक ना हमारा एकामा बढ़ा है ना एग्जिट एंट्री वीज़ा बढ़ी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, होता क्या है, इसमें एक लंबा जो है प्रोसेस होता है और जवाजात जो है इस पर काम कर रहा है, इनशाला बहुत जल्द जिन लोगों के एकामे एक्सपायर हैं या एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर है या विजिट वीज़ा एक्सपायर है, उन सबको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी गवर्नमेंट ने किया है 2-3 बार, आपको जो है मालूम होगा 2020 में भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ऑर्डर आता है कुछ दिन के बाद जो है उसमें 1 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, और सभी लोगों का जितने भी लोगों यानी कि एक्सपायर हैं, 1-1.5 साल से फंसे हुए हैं, 6 महीने से फंसे हुए हैं, उन सबके एकामे को भी एग्जिट एंट्री वीज़ा को भी और विजिट वीज़ा को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इसमें आप जो है थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। और एक और भाई ने यहाँ पे सवाल किया है कि भाई मैं 4 महीने से दुबई में हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज़, इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो देखिए, दुबई में जो लोग फंसे हुए हैं, आपको मालूम है कि बहुत लोग जो है पहले दुबई से नेपाल चले गए और नेपाल से सऊदी अरब भी पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी दुबई में ही रुके हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि दुबई से सऊदी अरब की फ्लाइट खुलेगी तो हम सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि अभी तक भी सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है कि दुबई से सऊदी अरब की फ्लाइट कब खुलेगी। अगर आप जो है किसी और वाया कंट्री से होकर के जाना चाहते हैं, कोई कंट्री अगर खुली हुई है, आपकी सेटिंग हो रही है वहां से, तो बेहतर है कि आप वहां से जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट जो है एग्जिट एंट्री वीज़ा को बढ़ा रही है, कामे को बढ़ा रही है, इन सब बातों को, इन सारी न्यूज़ को जो है देखते हुए यही लग रहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह डायरेक्ट फ्लाइट भी खुलने के चांसेस हैं सऊदी अरब के लिए, और वहां पर फिर जो है आपको 14 दिन क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा, जिस तरह से 14 दिन आपको किसी और कंट्री में यानी आपको जो है गुजारने पड़ रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।